दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल पे मैंने आपको बताया है कि दोस्तों, जब हम कोई पेमेंट को अपने मोबाइल बैंकिंग या फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करके कोई पेमेंट को हम शेड्यूल करते हैं, जैसा कि मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है इस टॉपिक पर कि हाउ टू शेड्यूल पेमेंट इन मोबाइल बैंकिंग। सो दोस्तों, हमने किसी के लिए फ़ंड ट्रांसफ़र का पेमेंट हमने शेड्यूल कर दिया, मान लो एक दिन, दो दिन बाद, एक हफ़्ते बाद की। और इनकेस क्या होता है कि कभी हम उसे कैश पेमेंट कर दें या फिर हमने किसी और मोड से हमने उसको पेमेंट कर दिया, पहले ही अगर हमारे पास पैसे आ गए तो हमने पेमेंट कर दिया, तो अब जो हमने शेड्यूल पेमेंट किया हुआ है उसका क्या करेंगे, क्योंकि वो तो अपने डेट और टाइम पर शेड्यूल पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि मैं आपको बताने वाला हूं कि उस शेड्यूल पेमेंट को कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि मैं आपको पता ही है कि मैं सारी जो है ये प्रोसीजर जो है मैं RBL बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको करके दिखाता हूँ, वैसे ही सेम प्रोसीजर जो है हर बैंक का होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, मैं अपने मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन कर लेता हूँ। और लॉगिन करने के बाद करना क्या है, तो लॉगिन करने के बाद जैसा कि हम करते हैं फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए शेड्यूल, तो वैसे ही फ़ंड ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जाना है। और फ़ंड ट्रांसफ़र वाले में आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि बैंक बेनिफिशियरी ऐड करने का, अपनी अकाउंट डिटेल्स, क्विक पेमेंट, RBL बैंक पे इसको देखने का, अदर बैंक पे इसको ट्रांसफ़र करने का, या और यहाँ पर एक शेड्यूल ट्रांसफ़र का है, यहाँ पर ऐड रिमूव बेनिफिशियरी का है। तो जैसा कि हमें शेड्यूल ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है, क्योंकि आज जो है मैं बताने वाला हूँ कि उस पेमेंट को हम रोकेंगे कैसे। तो इस शेड्यूल ट्रांसफ़र वाले ऑप्शन में जब हम जाएंगे तो देखेंगे कि मैंने अभी एक ट्रांसफ़र शेड्यूल कर रखा है, जैसे कि आज है 5 सितंबर और 6 सितंबर के डेट में एक मैंने पेमेंट शेड्यूल किया था ₹10 का। और ये पेमेंट का मोड क्या है, तो ये NEFT है और कौन से बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो देख सकते हो आप इसकी इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर डिटेल आपको यहाँ पता चलेगी, PNB में 6 सितंबर बाय NEFT ₹10। तो अब क्या करना है दोस्तों कि इस पेमेंट को हमें रोकना है, तो रोकने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे नीचे आपको एक बटन मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉप पेमेंट का एक आपको नीचे जो है ब्लू कलर का एक बटन मिलता है। इस पेमेंट को, शेड्यूल ट्रांसफ़र को आप स्टॉप कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, तो सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कंफर्मेशन के लिए आपको ओके कर देना होगा कि यस, मैं चाहता हूं कि इस ट्रांसफ़र को कैंसिल कर दिया जाए। तो देख सकते हैं द ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट इज़ सबमिटेड फॉर स्टॉप, और यहां पे ओके करके हमें जो क्या करना है, बैक चले आना है। तो अब यहां आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई शेड्यूल ट्रांसफ़र अब आपको नहीं शो होगा। जैसा कि हम बैक आ जाते हैं पूरा होम पे और फिर फ़ंड ट्रांसफ़र में जाएंगे और फिर उसके बाद शेड्यूल ट्रांसफ़र में हमें जाना है। तो शेड्यूल ट्रांसफ़र में जब हम जाएंगे तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कोई भी यू हैव नॉट शेड्यूल एनी पेमेंट्स, यानी कि अब आपका कोई भी शेड्यूल ट्रांसफ़र पेमेंट्स आपने यहाँ पे शेड्यूल नहीं किया हुआ है, ये कैंसिल हो गया है, हो जाएगा, और अब आपका कोई भी अकाउंट से पैसा जो है ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होगा। सो अब क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे राइट साइड में टॉप पे लॉग आउट का बटन है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मैसेज भी मुझे रिसीव अभी जस्ट हुआ है। तो मैसेज में क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए, इसको ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। डियर कस्टमर, एज़ पर योर रिक्वेस्ट, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द वन टाइम हैज़ बीन डिलीटेड फॉर योर अकाउंट एंडिंग विद ये अकाउंट नंबर, और यहाँ पर दिखा रहा है ₹10 का जो मैंने जो इसको ये किया है। तो यहाँ पे हमने इसको कैंसिल के लिए दे दिया है और बैंक ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हमें लॉग आउट कर लेते हैं और चले जाते हैं एप्लीकेशन से बाहर। सो आई होप दोस्तों, आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको क्या बताया है, क्या समझाया है कि आप किसी भी शेड्यूल ट्रांसफ़र को, कोई पेमेंट आपने शेड्यूल कर दिया है 2 दिन 4 दिन बाद 10 दिन बाद की, तो उसको इनकेस आपने पेमेंट कर दी पहले या किसी और मोड से पेमेंट कर दिया या किसी और से आपने दिलवा दिया, तो उस पेमेंट ट्रांसफ़र शेड्यूल जो आपने कर रखा है उसको हम कैंसिल कैसे करेंगे, स्टॉप कैसे करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन क्वेरी मन में है आपके तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को, वहाँ पे आप कोई क्वेश्चन क्वेरीज डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, नए नए वीडियोस के अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे।
और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे जरूर दबा लेना ऐसे ही नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के रेगुलर अपडेट्स के लिए। सो मिलते हैं फिर इसी तरह के टेक वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम वीडियो मेरा देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि ऐसे नॉलेज वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के टेक और नॉलेज वाली वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।